नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 27 मई। वेबिनार अपडेट के अंदर हम जल्द मेंथा ऑयल के ऊपर एक वेबिनार आयोजन कर रहे हैं। अगर आप मेंथा ऑयल पे इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे जरूर रजिस्टर कीजिए। इस वेबिनार के अंदर हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही तरीके से समझेंगे कि मेंथा का आने वाला समय कैसा रहना है, क्योंकि अराइवल सीजन स्टार्ट हो चुका है। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कल के सेशन में कॉटन तो स्टेबल रहा, जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में हमने देखा कॉटन के प्राइसेस के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट था। थोड़ा कंसर्न बना हुआ था चाइना को लेकर, जहां पे हमने देखा चाइना ने हायर कमोडिटी के ऊपर चिंता जताई थी, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट के अंदर सभी कमोडिटी के अंदर हमने एक अच्छा खासा करेक्शन बनते हुए जरूर देखा था। बट टेक्निकली मार्केट अब 22,400 का लेवल तोड़ चुका है, जो कहीं ना कहीं सपोर्टिव है। वहीं कपास के अंदर हमने 0.5% की गिरावट आती हुई देखी और कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने 2600 का भी लेवल तोड़कर 2570 पे आते हुए देखा लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते। ओवरऑल फंडामेंटल साइड में हमने देखा कि एज ऑफ नाउ कोई बड़ा बाइंग मार्केट में बन नहीं रहा है, एक पैसिमिज्म बना हुआ है जिसकी वजह से ड्रॉप है। बट अगेन सप्लाई कंसर्न सभी बने हुए हैं, तो टेक्निकली आई थिंक मार्केट में थोड़ा सा एक वीकनेस दिखा रहा है, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। आज का सेशन भी हो सकता है मार्केट में जैसे कल गिरावट थी, लॉन्ग लिक्विडेशन है तो वो कहीं ना कहीं 2540 से 2530 तक का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है आगे के फंडामेंटल्स को देखते हुए। चार्टिकली अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइजेस के अंदर हमने अच्छी तेजी के बाद मार्केट अब कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट चार्ट पे अगर हम देखें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। टेक्निकल इंडिकेटर भी सारे सपोर्टिव ही है, तो थोड़ा भी अगर पुलबैक 22600 तक मिले तो लेके चलिए 22850 से 22900 तक का लेवल हम कॉटन के भाव में आते हुए देख पाएंगे। वहीं आइस कॉटन की अगर हम बात करें तो आइस कॉटन के अंदर भी हमने प्राइजेस को 200 और 50 मूविंग एवरेज के बीच में ही ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो वॉलिटिटी आने वाले सेशंस के अंदर बढ़ सकती है और ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है जब तक प्राइसेस 81 के ऊपर डिपेंड है। बट ध्यान रखिए तीन चार चीज हमें इंटरनेशनल मार्केट पे ध्यान रखना है। सबसे पहले चाइना, जहां पे हम देख रहे हैं कि चाइना ने जो हायर प्राइस के ऊपर चिंता जताई है, जिसके चलते हमने सभी कमोडिटी में करेक्शन आते हुए देखा। दूसरा यूएसडी की रिपोर्ट, जहां पे प्रोडक्शन और सेल्स का आकलन मिलेगा, तो एज ऑफ नाउ मार्केट डेटा पॉइंट के एब्सेंस में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट जल्द ही मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम देखने मिल जाएगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर कल हमने एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी और प्राइजेस करीबन 200 मूविंग एवरेज के करीब, मतलब 2580-90 के करीब टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इससे पहले भी हमने मई मंथ में देखा था कि प्राइजेस ने 200 मूविंग एवरेज या 2500 का लेवल छुआ और छूने के बाद फिर एक तेजी दिखाई थी। तो आज के सेशन में हमें लगता है कि 2520-30 तक का लेवल दिखाने के बाद मार्केट में एक सपोर्ट मिलेगा। तो दिन के सेशन में बेच के चलिए 2580 के करीब, 2530 तक कवर कीजिए, 2520 से फिर से बाइंग की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।